इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी वाराणसी से सामने आ रही, जहां पर बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। पीएम के साथ सीएम योगी भी मौजूद हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की, पीएम मोदी के दौरे को लेकर बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए पीएम मोदी रवाना हुए हैं। पीएम के साथ सीएम योगी भी मौजूद हैं। दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं पीएम मोदी। दिल्ली से खबर है, जहां पर लोकसभा से विपक्ष के 33 सांसद निलंबित किए गए हैं। अधीर रंजन चौधरी समेत 33 सांसद निलंबित किए गए। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें कि दिल्ली से, जहां पर लोकसभा से विपक्ष के 33 सांसद निलंबित किए गए हैं, निलंबन का सिलसिला लगातार जारी है। अधीर रंजन चौधरी समेत 33 सांसद निलंबित किए गए हैं लगातार। आपको बता दें कि हंगामा देखने को मिलता रहा है जब से संसद में सुरक्षा का चूक का मामला सामने आया। इससे पहले भी कई सांसदों को निलंबित किया था और एक बार फिर से आज से विपक्ष के 33 सांसदों को निलंबित किया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की, अधीर रंजन चौधरी समेत 33 सांसद निलंबित किए गए हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें कि जहां पर 33 विपक्ष के सांसद जो है वो निलंबित किए गए हैं। अब तक की बात करें तो कुल 47 सांसद जो हैं वो निलंबित कर किए जा चुके हैं। स्वाति पाठक हमारे संवाददाता तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति, क्या कुछ अपडेट और जानकारी आपके पास? आज फिर से 33 सांसदों का निलंबित किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनको निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें तो कुल मिलाकर 31 लोकसभा सांसदों को आज निलंबित किया गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार विरोध विपक्षी सांसदों द्वारा किया गया उसी को देखते हुए निलंबन किया गया है। क्योंकि इससे पहले भी अगर हम बात करें तो कई सांसदों को, 13 सांसदों को लोकसभा से निलंबित किया गया था। आज 31 सांसदों को कुल मिलाकर लोकसभा से निलंबित किया गया है। और लगातार विपक्षी पार्टियों की बात करें तो संसद में सुरक्षा चूक का पूरा मामला उठाया जा रहा है, जबकि लोकसभा स्पीकर, आपने देखा कि पिछले दिनों सांसदों को, तमाम सांसदों को पत्र भी लिखा गया था कि इस तरह से विरोध ना करें, और सरकार जो है या लोकसभा स्पीकर की बात करें तो सदन में बयान भी दिया गया था सुरक्षा चूक को लेकर। उसी पर लगातार विपक्षी पार्टियां हंगामा कर रही थी, विरोध कर रही थी। कहा जा रहा है कि इसी की वजह से आज लोकसभा से 31 लोकसभा सांसदों को निलंबित किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए स्वाति आपका। तो बता दें कि अब तक की बात करें कुल 47 विपक्षी सांसद निलंबित किए गए हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान 47 सांसद निलंबित किए गए हैं। आज की बात करें तो आज भी 33 सांसद निलंबित किए गए हैं, जिनमें विपक्ष की बात करें तो अधीर रंजन चौधरी समेत कई सांसद शामिल हैं।